SCST एक्ट का विरोध, सर्व समाज देगा संभागीय आयुक्त कार्यालय पर धरना। SCST अध्यादेश के विरोध में सर्व समाज 22 सितंबर को काले दिवस के रूप में मनाएगा और विरोध स्वरूप संभागीय आयुक्त कार्यालय पर सुबह 11 बजे से 1 बजे तक सांकेतिक धरना देकर प्रदर्शन किया जाएगा। धरने में भारी संख्या में सर्व समाज के लोग जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। सर्व समाज संघर्ष समिति और समता आंदोलन समिति के तत्वाधान में एक्ट को समाप्त करने की मांग को लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है। आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सरकार के जातिगत आधार पर लिए गए निर्णय का विरोध करना है। सर्व समाज से जुड़े पदाधिकारियों ने बताया कि जब तक सरकार अपने और विवेकपूर्ण निर्णय को वापस नहीं ले लेती तब तक आंदोलन जारी रहेगा और संघर्ष समिति के लोग सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के घर जाकर उनसे एक्ट के बारे में उनका मत जानेंगे और उनके घरों का घेराव करेंगे। हम आपको बता दें, इससे पहले सर्व समाज के लोग भारी जनसमूह के रूप में सांसद ओम बिरला के घर का घेराव कर चुके हैं और CAD सकिल पर जाम लगा चुके हैं, जिसको पुलिस ने काफी मशक्कत करके नियंत्रण किया था। कितने समाज के लोग देंगे? 25, 13, 14, 30 संभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने CAD सर्किल पर 22 तारीख को हम लोग सर्व समाज एवं समता आंदोलन समिति के तहत ये धरना देंगे। ये स्पष्ट है कि ये धरना किसी राजनीतिक पार्टी या किसी जाति समुदाय के खिलाफ नहीं है। इस एक्ट को पारित करने में सबसे पहले कांग्रेस ने भूमिका निभाई, उसने डिमांड करी भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से और उसने भारतीय जनता पार्टी को इम्प्लीमेंट किया, यानी तमाम राजनीतिक दल के सांसद, सारे के सारे सांसदों ने इस एक्ट को पारित करने में पूरा जोर लगाया। स्वर्ण समाज के पक्ष में, OBC के पक्ष में कोई सांसद नहीं था, इसलिए तमाम राजनीतिक पार्टियों का हम विरोध में कर रहे हैं और तमाम राजनीतिक पार्टियों को इस आने वाले चुनाव में हम सबक सिखाएंगे, उनको बता देंगे कि स्वर्ण समाज के वोट कम नहीं है, स्वर्ण समाज के वोट की ताकत कम नहीं है। ये धरना इसलिए दिया जा रहा है। कल टाइम क्या रहेगा? 11 बजे से लेकर 1 बजे तक। कितने समाज के लोग इसमें भाग लेंगे? स्वर्ण समाज के तमाम लोग इसमें, समाज है, ब्राह्मण समाज है, राजपूत समाज है, तमाम जितने भी OBC के वर्ग है, सारे लोग वहां पर रहेंगे। लगभग सभी समाजों के अध्यक्ष और महामंत्रियों को हमने इस बारे में संपर्क किया है। अब कल वहां पर निश्चित रूप से हजारों की संख्या में लोग रहेंगे। नाम बता दीजिए। अनिल तिवारी।